उत्तर प्रदेश की राजनीति दुनिया की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ गाय से लेकर भाई तक पर राजनीति की विसात बिछाई जाती है। यहाँ ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। गौरतलब है कि नई पार्टी बनाकर शिवपाल समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मूड में तो है ही, साथ ही वो यादव मुस्लिम और दलित सवर्णों के समीकरण को अपने पक्ष में लेने की कवायद में भी लग गए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक आजकल राजा भैया और शिवपाल की दोस्ती परवान चढ़ रही है। दोनों की नज़दीकियों से सियासी गलियारे में हलचल का माहौल है। कहा जा रहा है कि एक तरफ यादव मुस्लिम और दलित वोट के लिए शिवपाल दिन रात काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से सवर्णों को तोड़ने के लिए राजा भैया ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। फिलहाल बीजेपी को छोड़कर सवर्ण वोटरों का कोई ठिकाना नहीं है और SC ST एक्ट की वजह से सवर्ण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इस बीच दोनों की पार्टियों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में गठजोड़ को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, जिस पर खुद शिवपाल यादव ने बड़ा इशारा कर दिया है। शिवपाल भले ही बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने में लग गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो कुछ भी बयान देने से बचते दिखे। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद तो हैं लेकिन उनकी चलती नहीं। राजा भैया पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि राजा भैया से हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा के लोग हमसे संपर्क करेंगे तो उनके साथ भागीदारी का हाथ बढ़ाया जा सकता है। शिवपाल के इस भाषण से सपा बसपा और बीजेपी में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां बीजेपी जातिगत समीकरण में सेंध लगाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, तो वहीं शिवपाल और राजा भैया मिलकर योगी के मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं।